हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर एक्टिविटी 4। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टीच यू एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। ओके, सो पेज नंबर 38। ओके, यहाँ तक हो चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 4। Your unit 5 is we can invent। चलो हम भी कुछ invent करेंगे एक साथ मिलके। हाँ, share your invention poem with other students in the class। read and listen to all the new poems invented by your classmates। अब ये तो possible नहीं है, यानी आपने जो भी invention poem, मतलब कोई भी नई poem बनाई, अपने आप बनाओ खुद, और उसको अपने दूसरे स्टूडेंट से उसके क्लास में उसके साथ शेयर करना है, वो भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरे बच्चे हैं उसकी भी हमको लिसन करना है, सुनना है, सो इट्स इम्पॉसिबल। ओके, इन्वेंटर्स आर ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव द इन्वेंशंस। एज योर क्लास शेयर्स वर्सेस टू देयर इन्वेंशन पोएम, लिसन केयरफुली टू द बीट and rhythm of each verse. If any part of a poem doesn't sound right, work together to improve the sound. If any two verses are about the same invention, see the class lists of Dr. Invention. Okay, ideas for a new verse and change the invention in that verse. Help your class make the longest and the best poem you can. ओके, यानी यहाँ इन्वेंशन किस तरीके, एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ओके, एक्टिविटी 4 में आपको एक पोएम इन्वेंट करनी है, और उसके बाद क्या करना है, आप क्लास में पोएम कैसी होती है, रिदम के साथ गाना होता है, यानी वो संगीत के साथ गाना होता है, उसमें म्यूजिक होना ज़रूरी, एक फिर अटक जाओ ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऐसा बोला गया कि आपको इन्वेंट करो पोएम, उसको क्लास में शेयर करो, और शेयर करने के बाद उसको केयरफुली लिसन करो। फिर उसमें आपको कहीं पर ऐसा, जैसे किसी ने, एक बच्चे ने पोएम लिखी हो और फिर आप सब सुन रहे हो, पर उसमें से कोई एक तो होगा ही जिसको वो पोएम में थोड़ी सी मिस्टेक दिखेगी, फिर वो मिस्टेक को एक साथ वर्क करके उसको इम्प्रूव करने का। ओके, और उसको फिर से नई पोएम में कन्वर्ट करने का, तो वो क्या बोलते हैं, इन्वेंशन। ओके, यानी कोई चीज़ होती है उसको कुछ अलग तरीके से इन्वेंट करना। ओके, सो यहाँ ऐसा ही बोला गया है कि उसके वर्ड्स जो है, ओके, उसको सुनो केयरफुल, एकदम वो बोलते हैं लाइन, एक वन टू वन बाय वन लाइन जो है एकदम केयरफुली लिसन करो, और देन उसमें कुछ भी ऐसा मिस्टेक जैसा लगता है तो उसको इम्प्रूव करो, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स, ये है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। विच इन्वेंशन डिड योर क्लास पुट इन योर पोएम, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं, जो अभी पॉसिबल भी नहीं है, दैट्स वाई, क्योंकि अभी मेरे को तो आपको ऑनलाइन चल रहा है। ओके, तो मुझे आपको जो स्टोरी है वो ही एक्सप्लेन करनी। ओके, दैट्स वाई। नाउ एक्टिविटी फाइव स्टोरी देखे क्या आ रहा है बच्चों, आपकी स्टोरी यहाँ तो आपको लिटल लिटल ये सब याद आ रहा है, ये क्रो एंड द पिक्चर, यानी आपको शायद वो नर्सरी के दिन याद आ गए होंगे, है ना बच्चों, नर्सरी के दिन में ये वाली स्टोरी है ना। आप कैसे बोलते थे, एक मटका था, एक गड़ा था, एक क्रो था, उसको प्यास लगी थी, उस एक गड़ा मिला, उसमें थोड़ा सा पानी था, उस आसपास में पेबल्स दिखे, वो पेबल्स डाले गड़े के अंदर, फिर वो मटके के अंदर, फिर पानी ऊपर आया, कौवे ने पी लिया और खुश होकर चला गया, उड़ गया। बस आपको इतना ही देखा था ना, यहाँ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि सिक्स स्टैंडर्ड में वो अलग तरीके से लिखा है। नोटिस द स्टोरी पैटर्न्स, द क्रो एंड द पिक्चर, पिक्चर नहीं पिक्चर। ओके, यानी ये कुंज जैसा आता है ना, घड़े जैसा, ये मटका होता है, पर ये अलग तरीके से ऊपर से थोड़ा नैरो होता है, फिर ओपन होता है पूरा, देखो यहाँ से थोड़ा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ओके, चलो। वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, याद आ गई, वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, फॉर मैनी डेज देयर हैड बीन नो रेन, देयर हैड बीन नो रेन, हिज थ्रॉट वॉज वेरी ड्राई, ही फेल्ट वीक, ही वॉज टू वीक टू फ्लाई। यानी एक बार एक क्रो बहुत प्यासा था, एक बार
एक दिन है ना क्रो बहुत प्यासा था, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी, फॉर मैनी बहुत दिनों से वहाँ बारिश नहीं थी। उसका गला है वो भी ड्राई हो रहा था, सूख रहा था, उसका गला भी बहुत सूख रहा था। उसको वीक मतलब वीकनेस आ जाती ना हमारी बॉडी में, हम पानी नहीं पियेंगे तो उसको वीकनेस यानी हम बोलते हैं अशक्ति, उसको अशक्ति जैसा लगने लगा। ओके, ही वॉज टू वीक टू फ्लाई, यानी वो उड़ने में भी असक्षम था, यानी वो उड़ भी नहीं पा रहा था अच्छी तरह से। ओके, इफ द क्रो डिड नॉट फाइंड वाटर सून ही वुड डाई ऑफ थर्स्ट, ही फेल्ट टू वीक टू फ्लाई बट ही वॉक्ड ऑन लुकिंग फॉर वाटर। अगर क्रो जो था उसको पानी जल्दी से नहीं मिला होता तो वो प्यासा ही मर जाता। अगर क्रो को जल्दी से पानी नहीं मिलता तो वो प्यासा ही मर जाता ना, उसकी क्योंकि वो तो उड़ भी नहीं, इतना वीक हो गया था, क्योंकि उड़ पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी, वहाँ बारिश भी नहीं हुई थी, इसलिए फिर भी वो कैसा हुआ, वो चला, उसने चलने का चालू ही रखा, बट ही वॉकड ऑन, थोड़ा चलने का थोड़ा उड़ने का ऐसा। ओके, पानी के लिए, लुकिंग फॉर वाटर मतलब पानी ढूंढने के लिए वो चलता ही रहा, आगे बढ़ता ही रहा ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको नर्सरी में देते तो आता है आपको, नहीं आता, ये आपको सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बड़ी यानी नर्सरी से पढ़ते आते हो, लेकिन फिर भी नर्सरी में से जूनियर के जी में थोड़े वर्ड्स एक दो वर्ड्स और ऐड करते हैं हार्ड, फिर देखो सिक्स में कितनी बड़ी अच्छी है, पर है तो वही स्टोरी, मोरल तो वही, लेकिन फिर भी लिखने का स्टाइल कितना बढ़ा दिया है। नर्सरी में तो इतना पैराग्राफ ही होता है, इतना छोटा है, इसमें एक पूरी स्टोरी का एंड भी आ जाता है, स्टार्टिंग से एंड। सडनली द क्रो केम अपॉन अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, सडनली द क्रो केम अप अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, द पिक्चर हैड वाटर इन इट, द क्रो पुट हिज बीक इन द पिक्चर बट द वाटर वॉज टू लो फॉर हीम टू रीच, द क्रो वॉज सो वेरी थ्रस्टी। ओके, अब अचानक से ग्राउंड पर एक पिक्चर पड़ा था, पिक्चर ये वाला इसको बोलते हैं क्या, यानी ये कुंडा जैसा होता है, यानी इसमें पानी था थोड़ा सा, और इसमें कैसा होता है देखो, नीचे से नैरो है, फिर ऐसे ऐसे राउंड में ऐसे, फिर देखो यहाँ से नैरो, फिर ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा। ओके, इस तरीके का होता है, इसको पिक्चर बोलते हैं। ओके, तो ग्राउंड पर एक पिक्चर पड़ा था, वहाँ आया, उसने पिक्चर के अंदर पानी देखा। ओके, एक कुंडा था, वो था ना जो गड़ा, उसके अंदर पानी देखा, उसने अपनी जो बीक है चोंच उसमें डाली, लेकिन पानी तो बहुत नीचे की तरफ था उसके लिए, और उसके लिए पहुंच पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी चोंच इतनी बड़ी तो नहीं होती ना क्रो की, हाँ, और पानी एकदम अंदर था, तो वो पहुंच के भी कितना पहुंचेगी। ओके, ही ट्राइड अगेन टू रीच द वॉटर, स्ट्रेचिंग his beak and neck and back as far as he could. He struggled and strained and ruffled his feathers, but he could not reach the water at the bottom of the pitcher. उसने ट्राई किया पानी तक पहुँचने के लिए, ट्राई किया उतने जितना अपनी जो चोंच थी, चोंच और नेक जितना हो सके उतना स्ट्रेचिंग किया, यानी अंदर वो कर सके इतना कि पहुंच पाए, उसकी बीक जो है पानी तक पहुंच पाए, इतना खींचे बैक। ओके, बट उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रेंड भी है, और रफलेड मीन्स ऐसा साउंड कि ड्राई जो फेदर्स होते हैं वो ऐसे फटफटाते ना, हिलाते ना, फड़फड़ाते हैं, तो कैसा आवाज़ आती है उसके, उसी तरह से आवाज़ भी कर, बट वो पानी तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि पानी पिक्चर में बहुत नीचे था। Finally, he stopped. Crows are smart, and this crow stopped struggling and stepped back to look closely and think calmly. Finally, वो रुक गया. Finally, he stopped. Stopped. मतलब वो रुक गया. Finally, वो रुक गया. Crows था. Crows. वो बहुत smart.
और ये क्रो जो था वो स्ट्रगल बहुत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद रुक गया और थोड़ा पीछे गया और एक नज़दीक आसपास में जो चीज़ें होती उसको देखने लगा और शांति से सोचने भी लगा कि मैं क्या करूँ। तो पानी मुझे मिला, पानी तो था, अगर वो गिरा देता तो पानी ज़मीन में चला जाता तो वो तो पी ही नहीं पाता। ओके, अगर वो पिक्चर है वो गिरा देता पानी के लिए तो फिर वो पहुंच ही नहीं पाता ना, और फिर गिर जाएगा। अगर पानी नहीं पी पाया तो सीधा करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था ना। इसीलिए उसने ध्यान से और सब आसपास की जो चीज़ें थी उसको देखा और शांति से सोचने लगे। द क्रो नोटिस्ड मैनी रॉक्स ऑन द ग्राउंड, ही बैगन टू पुट द रॉक्स इन द पिक्चर। एज ईच रॉक वेंट इट द लेवल ऑफ द वाटर रोज इन द पिक्चर। अब उसने क्या, उसने नोटिस किया क्रो ने कि ग्राउंड पर है बहुत सारे पिक्चर्स पड़े, ये रॉक्स पड़े, रॉक्स, आप लोगों ने यहाँ रॉक्स वर्ड्स दिया है, आप लोगों ने पेबल्स वर्ड्स यूज़ किया होगा नर्सरी में, पेबल्स है ना, पेबल्स मीन्स ऑल्सो वो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना वो। ओके, रॉक्स मतलब भी ऑल्सो वही होता है कि जो पत्थर होते हैं बड़े उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स। ओके, पेबल्स बोलो या रॉक्स बोलो, पर क्या सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ रॉक्स वर्ड्स यूज़ किया गया। ओके, तो क्रो ने नोटिस किया कि बहुत सारे रॉक्स है वो ग्राउंड पर पड़े हैं। तो उसने क्या किया, जो रॉक्स थे ना उसको पिक्चर के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। ओके, और जैसे जैसे अंदर रॉक्स बढ़ता गया वैसे वैसे यानी जैसे जैसे क्रो है वो रॉक्स से अंदर डालता गया ना वो पिक्चर के अंदर, तब वैसे वैसे जो वाटर था वो ऊपर धीरे धीरे आने लगा, उसका लेवल थोड़ा बढ़ने लगा ऊपर की तरफ। ओके, आफ्टर मैनी रॉक्स द वाटर वॉज फाइनली एट द टॉप ऑफ द पिक्चर। बहुत सारे रॉक्स डालने के बाद पानी जो था वो फाइनली टॉप पर आ गया, यानी ऊपर की तरफ आ गया। द क्रो कुड रीच इट ही फाइनली गॉट द ड्रिंक ही नीडेड। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नो प्रॉब्लम इज टू बिग इफ़ यू टेक टाइम थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी उस पानी जो था वो ऊपर की तरफ आ गया और क्रो ने है ना उस तरफ उसकी तरफ पहुंच गया, यानी पानी की तरफ पहुंच गया और उसने पानी पी लिया, जितना उसको ज़रूरत थी उतना पानी उसने पी लिया। ओके, तो ये स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि कोई भी प्रॉब्लम, ओके, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना उसको सॉल्व होने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी हाँ उसको थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी सिक्स मैनी स्टोरीज फॉलो अ पैटर्न लाइक द क्रो एंड द पिक्चर। नोटिस द फर्स्ट पैराग्राफ, द स्टोरी स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपन्स सो दैट वन डे द मैन कैरेक्टर हैज़ अ प्रॉब्लम। ओके, यानी यहाँ बहुत सारी स्टोरीज होती है, ये जो क्रो और पिक्चर की जो स्टोरी है उसकी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसके जैसी पैटर्न को ही इसी तरीके से स्टोरी लिखते सकते। ओके, सो यहाँ तीन क्वेश्चन है। वॉट हैपन्ड टू कोज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो, मतलब कौन सी प्रॉब्लम कोज हुई थी, कारण थी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में। सो आंसर इज द वॉन्ट ऑफ वाटर हैपन टू कोज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो। ओके, अगेन ये क्वेश्चन एक्टिविटी सिक्स है, वो आपको होमवर्क में लिखनी, यानी होमवर्क मीन्स आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके, चलो। द वॉन्ट ऑफ वाटर हैपन्ड टू कोज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो सिंस देयर हैड नॉट बीन रेन फॉर मैनी डेज। वाटर वॉज स्कैर्स एंड द क्रो हैड टू वॉक ऑन एंड ऑन लुकिंग फॉर वाटर। अगेन आई रिपीट दिस आंसर, द वॉन्ट ऑफ वाटर हैपन्ड टू कोज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो सिंस देयर हैड नॉट बीन रेन फॉर मैनी डेज। वाटर वॉज स्कैर्स एंड द क्रो हैड टू वॉक एंड वॉक ऑन एंड ऑन लुकिंग फॉर वाटर। ओके, नाउ टू नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है। द सेकेंड पैराग्राफ शोज
हाउ द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी हमें सेकंड पैराग्राफ में क्या देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर मतलब क्रो, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है. ओके, बट इट डजंट वर्क. ही हाउ डज द क्रो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी फिर भी वो काम, लेकिन वो काम नहीं करता. तो हमें यहाँ ये लिखना है कि क्रो जो है वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता है. सो आंसर इज द क्रो वॉज टेरिबली थ्रस्टी. द क्रो वॉज टेरिबली थ्रस्टी एंड वुड डाई ऑफ थ्रस्ट एंड वुड डाई ऑफ थ्रस्ट इफ ही डिड नॉट गेट टू ड्रिंक वाटर सून. सो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाटर. फॉर्चुनेटली ही फाउंड अ पिक्चर, बट द वाटर इन द पिक्चर वॉज एट इट्स बॉटम एंड द क्रो वॉन्टेड टू ट्राइंग ब्रिंग दैट लेवल अप. ही स्टार्टेड पुटिंग रॉक्स इन टू द रॉक पिक्चर. स्लोली द वॉटर लेवल रोज टू द टॉप ऑफ द पिक्चर एंड ही कुड ड्रिंक द वॉटर. अगेन आई रिपीट दिस आंसर बिकॉज दिस इज आंसर इज सो लॉन्ग. द क्रो वॉज टेरिबली थ्रस्टी. द क्रो वॉज टेरिबली थ्रस्टी एंड वुड डाई ऑफ थ्रस्ट एंड वुड डाई ऑफ थ्रस्ट इफ ही डिड नॉट गेट टू ड्रिंक वॉटर सून. सो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वॉटर. फॉर्चुनेटली ही फाउंड अ पिक्चर, बट द वॉटर इन द पिक्चर वॉज एट इट्स बॉटम एंड द क्रो वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट लेवल अप. ही स्टार्टेड पुटिंग रॉक्स इन टू द पिक्चर. स्लोली द वॉटर लेवल रोज टू द टॉप ऑफ द पिक्चर एंड ही कुड ड्रिंक द वॉटर. ओके, उसने पानी पी लिया ऐसा. ओके, क्या क्या किया. नाउ क्वेश्चन थ्री. थर्ड क्वेश्चन इज द थर्ड पैराग्राफ शोज दैट समथिंग चेंज्ड एंड द कैरेक्टर कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन अनएक्सेप्टेड वे. हाउ डिड द क्रो सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी तीसरे पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि कुछ चेंज है. ओके, तीसरे पैराग्राफ में कुछ चेंज दिख रहा है और कैरेक्टर है वो अपनी अनएक्सेप्टेड वे, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि क्रो इस तरीके से करेगा, अनएक्सेप्टेड वे से अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सका है. तो किस तरीके से उसने अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व किए वो हमें यहाँ लिखना है. ओके, चलो. इनिशियली द क्रो वॉज जेंटली डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट ड्रिंक द वॉटर, बट स्लोली ही थॉट कामली. ही फाउंड रॉक्स नियर बाय ही स्टार्टेड पुटिंग द रॉक्स इन टू द पिक्चर. स्लोली द वॉटर लेवल रोज इन द पिक्चर एंड फाइनली ही कुड ड्रिंक द वॉटर. अगेन आई रिपीट दिस आंसर. इनिशियली द क्रो वॉज greatly disappointed as he could not drink the water, but slowly he thought calmly. He found rocks nearby. He started putting the rocks into the pitcher. Slowly the water level rose in the pitcher and finally he could drink the water. Okay students, मैं यहाँ stop कर रही हूँ अपना video, यानी आपकी activity 6 तक complete हो चुका है. Okay, in next video I will continue from activity 7. Okay, so bye.